ओके स्टूडेंट्स, अब हम बता डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग इन द सेंटेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। पहले तो हमने एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन अब जब हम उन्हीं एक्शन वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और उस सेंटेंस में अगर हमें दो वर्ब मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस एक्शन वर्ब के या मेन वर्ब के दो और टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब दैट चेंजेस ऑन चेंजिंग ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और चेंजिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ब जिसमें वो चेंजेस होते हैं जब हम उसके सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज करते हैं। सपोज करो अगर पहले फर्स्ट पर्सन है, हमने उसमें थर्ड पर्सन कर दिया तो उसका वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा, या अगर हमने उसके टेंस को चेंज कर दिया, मतलब अगर वो प्रेजेंट में है हमने पास्ट में कर दिया उसको, तो उसका जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही वर्ब में ऐसे चेंजेस आएंगे, और जिस वर्ब में ये चेंजेस आते हैं आफ्टर चेंजिंग टेंस और आफ्टर चेंजिंग पर्सन, तो इस तरह का जो वर्ब होता है वो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, लेकिन जो नाम नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, किस चीज से? पर्सन चेंज करने से या टेंस चेंज करने से। मतलब ऐसे वर्ब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टेंस में हम उसे लिख रहे हैं या कौन से पर्सन के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं, वो जो है वो चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो देखते हैं हम एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। ये हमने उसको हमने लिखा है प्रेजेंट में। तो जब हमने इसको प्रेजेंट में लिखा है तो यहां पे लव है। ठीक है, तो ये जो लव है ये फाइनाइट वर्ब है हमारा, ये फाइनाइट है, और ये जो टू रीड है ये है नॉन फाइनाइट। ठीक है, अभी हमने इसको प्रेजेंट में लिखा है तो यह है आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। अब इसी को हमने पास्ट में लिख दिया है तो क्या हो गया? आई लव्ड टू रीड स्टोरी बुक्स। तो यहां पे हमारा चेंज क्या हुआ है? लव था वो लव्ड हो गया है, हमारा ये फाइनाइट है, जो फाइनाइट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन टू रीड पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? नॉन फाइनाइट है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, पहला एग्जाम्पल हमने लिया था टेंस को चेंज करके देखा हमने, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे शी लाइक्स टू डांस, ये हमने थर्ड पर्सन लिया है, सी जो है हमारे लिए शी, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो हमने यहां पे लिखा क्या है? लाइक्स। तो ये हमारा फाइनाइट है, और ये टू डांस क्या है हमारा? नॉन फाइनाइट। लेकिन जैसे हमने थर्ड पर्सन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? सेकंड पर्सन से, मतलब हमने शी की जगह यू लिख दिया, तो ये क्या हो गया? यू लाइक टू डांस। यहाँ पे देखो लाइक्स का हमारा लाइक हो गया, मतलब लाइक्स जो है वो पहले थर्ड पर्सन में लाइक्स था, जब सेकंड पर्सन हमने लिया तो लाइक हो गया। तो मतलब जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अपने टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वो हमारा क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होता है टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नॉन फाइनाइट्स है जो अभी हमने पढ़ा, नॉन फाइनाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। अब जो नॉन फाइनाइट्स है ये तीन पार्ट्स में फिर से क्लासिफाई किया गया है इसको। अब मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया है नॉन फाइनाइट्स के तीन पार्ट्स का। तो पहला पार्ट है हमारा क्या? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है हमारा वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका हमारा जिरंड, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो है वो फिर से इसके दो पार्ट्स होते हैं, उसका भी फ्लो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे। पार्टिसिपल्स जो है दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो दो चीज है, जैसे जिरंड है इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है ये भी वर्ब में आईएनजी वाला ही होता है, तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इसको। स्टूडेंट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स,
फर्स्ट है आई लाइक टू वॉच टीवी, यहां पर टू वॉच क्या है, इन्फिनेटिव है. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा शी वॉज लाफिंग एट मी. अब यहां जो लाफिंग हमने यूज किया है, शी वॉज लाफिंग एट मी, ये जो लाफिंग है यहां पर यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है. लेकिन लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये चिरंड है हमारा. मतलब ये हुआ कि अगर हम लाफिंग यहाँ पे वर्ब में आईएनजी वाले फॉर्म का यूज अगर हम एज अ वर्ब कर रहे हैं कहीं पे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं. लेकिन अगर हम एज अ सब्जेक्ट कहीं पे कर रहे हैं उसको, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जिरंड होगा. सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. यहाँ पे राइटिंग, राइटिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है राइटिंग इन इंग्लिश इज नॉट इजी, तो यहाँ पे क्या है, ये जिरंड है. ये जो राइटिंग है यहाँ जिरंड है. अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक. अब यहाँ पे देखो स्पोकन, स्पोकन जो है वो स्पीक का थर्ड फॉर्म है. हम वर्ब के फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में वर्ब के फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम. तो अभी बस देख लो तुम, ये थर्ड फॉर्म है स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, ये पास्ट पार्टिसिपल्स है स्पोकन जो है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. जैसे कि कहीं मतलब सिगरेट वगैरह के डिब्बे पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ में जो स्मोकिंग है वो जिरंड है. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ही इज स्मोकिंग, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है. तो ये बेसिकली यही डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और जिरंड में. दोनों में ही वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड जो वर्ब है हमारा वह है लिंकिंग वर्ब्स. अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू अ नाउन और एडजेक्टिव. इट कैन सिंपली बी सेड कॉम्प्लीमेंट्स. मतलब ऐसे वर्ब जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से, या यूं कहें कि हम उसके कॉम्प्लीमेंट से उसको कनेक्ट करता है, उसको लिंक करने का काम करता है उसका, उसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी बिकेम एन इंजीनियर. यहाँ पे ये जो बिकेम है ना, ये इस शी को जो कि सब्जेक्ट है उसको इसके कॉम्प्लीमेंट एन इंजीनियर से उसको लिंक कर रहा है, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है. दूसरा राम इज इन लव विद सीता. यहाँ पे जो इज है ये इस राम को इस इन लव विद सीता जो कि कॉम्प्लीमेंट है इससे कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. अब ऐसा नहीं है कि ये जो बिकम और ये जो इज है ये हमेशा लिंकिंग वर्ब का ही काम करता है. समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक लिंकिंग वर्ब. ये कभी कभी जो है ये लिंकिंग वर्ब के जैसा बिहेव करता है या लिंकिंग वर्ब के जगह पे यूज होता है. कई बार ये बिकेम का जो है हम एज एक्शन वर्ब भी यूज करते हैं, और ये हमारा इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में. लेकिन इज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब जो है जैसे कौन कौन से हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, तो जितने भी टू बी के फॉर्म्स हैं, ये जो टू बी है या जो बी हमारा वर्ब है उसके टोटल जो आठ फॉर्म्स होते हैं, वो आठ के आठ फॉर्म्स जो है एज अ लिंकिंग वर्ब काम आते हैं. अब वो आठ फॉर्म कौन कौन से हैं, तो एक हमारा इज हो गया, इज एम आर वाज वर बी बीइंग और बीन. ये जो आठ फॉर्म्स होते हैं बी के, वो सब के सब क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब काम आते हैं हमारे. उसके साथ साथ और बहुत सारे एक्शन वर्ब भी हैं जो एज अ लिंकिंग वर्ब जो है वो यूज होते हैं. जैसे है टू सीम, टू बिकम, टू अपीयर, टू रिमेन, टू लुक, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज होते हैं. ये सब एक्शन वर्ब भी हैं और एज अ लिंकिंग वर्ब भी यूज होते हैं. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे उसको लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों के लिए, मैंने एक जो है वर्ब लिया है अपीयर. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है शी अपीयर्ड हैप्पी. यहाँ पे जो अपीयर्ड है इसने इस सब्जेक्ट जो शी है उसको इसके एडजेक्टिव से जोड़ा है, एडजेक्टिव जो कि हैप्पी है उससे लिंक किया है. तो यहाँ पे अपीयर्ड जो है वो किस चीज का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है. लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है उसी अपीयर्ड को हमने एज एक्शन वर्ब लगाया है, शी सडनली अपीयर्ड. यहाँ पे जो अपीयर है वर्ड ये एज एक्शन वर्ब यूज हुआ है. तो इससे हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसे एक्शन वर्ब भी होते हैं जो कई जगह जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे एक्शन वर्ब यूज हुआ है.
तो दोनों जगह जो है वो यूज हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इन द सेंटेंस, कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. Okay, students, moving on last verb, helping or auxiliary verb. Verbs that are used before action or linking verb to convey additional information such as time, possibility. मतलब ऐसे verbs जो हम action verb या linking verb के पहले use करते हैं और वो वर्ब जो है वो ये मैसेज जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल मैसेज जो है वो कन्वे करता है. जैसे कि टाइम की बात कर रहे हैं या टेंस की बात कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, अब देखो मेन वर्ब जो है उसके साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और दोनों एक साथ लिखा जाता है तो उसको हम वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं या फ्रेजल वर्ब्स भी बोलते हैं. इसके बारे में मैं किसी और जो लेक्चर बनूंगा मैं उसमें मैं पूरा क्लियर बता दूंगा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ. अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. अब देखो हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल. इसमें आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है वो मेन वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा दिस ट्रिप माइट बी डेंजरस. इसमें माइट जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बी जो है मेन वर्ब है. तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इसके भी टाइप्स होते हैं. स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं. पहला है सिंपल हेल्पिंग वर्ब. इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब में जैसे पहला हम लेते हैं टू बी, और टू बी के जो एट फॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सिंपल हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं. जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये जो एट के एट फॉर्म्स है ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं. दूसरा जब हम हैव की बात करते हैं तो हैव के भी फॉर्म्स होते हैं, हैज, हैव, हैड, ये भी सिंपल हेल्पिंग वर्ब होते हैं. टू डू जो है ये भी, डू, डज, डिड, ये सभी सिंपल हेल्पिंग वर्ब होते हैं. दूसरा जो होता है इसका मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम सिंपली मॉडल्स भी कहते हैं. इसमें क्या है, नीड, डेयर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ टू, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तानिया कुड लर्न द सम. यहाँ पे कुड जो है वो मॉडल्स है. वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ पे हैव टू जो है वो एक मॉडल वर्ब है. अब जो इसके जो डिटेल में यूज क्या होते हैं, मॉडल वर्ब का क्या यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज होता है, इसको हम एक अलग जो है लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसके अलग अलग जो है यूज क्या क्या होते हैं, मॉडल्स में कौन से मॉडल्स का यूज हम कहाँ करते हैं. इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं जो है पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. मेन वर्ब्स आर सेड टू हैव फाइव फॉर्म्स इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में जो है मेन वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं, जिसमें पहला है द बेस फॉर्म जिसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं. फिर प्रेजेंट फॉर्म जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म एस और यस लगाते हैं. थर्ड है द पास्ट फॉर्म जिसमें जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है. और फोर्थ है द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और फिफ्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम जो है मेन वर्ब को रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्लासिफाई कर सकते हैं. जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसके फॉर्म के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हमें सिर्फ डी या ईडी ऐड करना होता है,
तो इसको हम रेगुलर फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉक की बात करें तो टॉक का पास्ट जो होता है वो टॉक्ड होता है, पास्ट पार्टिसिपेंट टॉक्ड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट टॉकिंग होता है, प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो टॉक्स होता है। ऐसे ही अगर किल की बात करें तो किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग, किल्स, ये तो होते हैं रेगुलर, जिसमें सिर्फ पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमें या तो डी ऐड करना होता है या ईडी ऐड करना होता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें हमें जो इसके फॉर्म्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं इरेगुलर का, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो ये हमें लर्न करना पड़ता है। तो इसी तरह से इरेगुलर वर्ब जो होते हैं इसका जो है फॉर्म होता है इस वर्ब का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।